हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है, अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं। हम लोग भी यहाँ पे सुरक्षित हैं, गांव में हैं और थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस नेचर को और इस एनवायरनमेंट को। आप मेरे व्लॉग देखते ही होंगे, आप लोग मेरे व्लॉग देखिए और उस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि दड़पे पोहे कैसे बनते हैं और वो मेरी भाभी बनाने वाली है। और उसके बाद हम लोग वापस से टहलने के लिए जाने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। और कैसा लगेगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ दड़पे पोहे। उसके लिए क्या क्या सामग्री लगती है मैं आपको बताती हूँ। ये है 4 प्याज और ये 4 टमाटर, 4 हरी मिर्च और 1 नींबू और थोड़ी धनिया। तो पहले इसमें हम डालेंगे ऑनियन। टमाटर नींबू फिर हम इसमें डालेंगे नमक, फिर हम इसको हाथ से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, स्टॉप कर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी इसको ऑनियन और टमाटर को पानी छूट गए। अब इसमें हम डालेंगे पतला पोहा, जो चिवड़ा को हम यूज करते हैं वो। धनिया ऐड करेंगे। और थोड़ी शुगर। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको ऐसे दबा के रखना है। इसको 5 मिनट तक ऐसे रखना है, तब तक हम इसको तड़का लगाने के लिए रेडी करते हैं। अब इसमें ऐसे छेद कर लेना है हमको। एक छोटा बर्तन दिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब ऑयल गरम हो गया है, अब उसमें हम मोहरी डालेंगे। उसे अच्छी तरह से होने देंगे। उसमें हम जीरा ऐड करेंगे और उसके तुरंत बाद हम उसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। 3 हरी मिर्च लिया है हमने। अब ये तड़का हम इसमें डाल देंगे और तड़का डालने के बाद तुरंत ही इसको हम ऐसे बंद कर देंगे और तुरंत ही ऐसे ढक्कन डाल देना है 5 मिनट तक। क्या बना रहे हो आप? पोहे। आप लोगों को बहुत पसंद है ना? हाँ। अब इसको हम ओपन करेंगे, फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारी मम्मी है। यस, हमारा दड़पे पोहा बनकर रेडी है। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप भी अपने बच्चों के लिए जरूर बनाइए। वाओ, कितना यम्मी है। अम्मा, यम्मी लगता है, मैं आप खाए थे। ओ, तुझे साटी बना ले। अत ये करना तो हमारा दड़पा पोहा बनकर रेडी है। आप फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और
आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, शाम का वक्त है और 5 बजे है और हम लोग घूमने जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग ऑलवेज 7-6.30 बजे तक टहलने निकल जाते हैं, लेकिन आज सैटरडे है, सैटरडे का ये व्लॉग बना रही हूँ मैं, आज डाल रही हूँ। तो आज मेरे भाई को छुट्टी रहती है, अदरवाइज़ उसका वर्किंग डे रहता है तो वो फ्री नहीं रहता है, लेकिन आज सैटरडे होने की वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी निकले हैं घूमने के लिए। हम लोग आते टाइम ही स्पोर्ट्स शूज़ लेकर आए थे, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी को थोड़ा एडवेंचर का शौक है, और किसको अच्छा नहीं लगता है घूमना फिरना गांव में, स्पेशली जो शहरों में रहते हैं उन लोग को गांव का बहुत अट्रैक्शन रहता है। और देखिए, हम लोग घूमते घूमते बहुत दूर तक आ गए, और अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं पता चल रहा है कि हमें कहाँ से जाना है। एक्चुअली एक जो हमारे रिलेटिव है उन्होंने हमसे कहा था कि यहाँ पे आगे जो गन्ने की खेत दिख रहे हैं वहाँ से आगे जाएंगे तो आपको हिरन का झुंड दिखाई देगा। वो देखने के लिए एक्चुअली हम लोग इतना सारा मेहनत कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ हमें दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे गन्ने की फसल को देखिए कैसे बांध कर रखा है, उसमें से एक गन्ना मेरी भाभी निकाल रही है, और ये हम लोग ऑलरेडी भैया ने एक लिया है और ये भाभी ले रही है। तो अभी ये गन्ना खाने का बंदोबस्त हो गया है और घर जाकर हम मस्त से गन्ना खाने वाले हैं। देते दोन टुकड़े बनवून असे करून नको का, आता राहू दे, पायाला बिरायला लागेल। अभी लग रही है तुम गाँव की छोरी। यहाँ पे आने के बाद हम लोग थोड़ा रास्ता भटक गए थे और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ से है, कहाँ से इसकी जो सड़क आती है वो घर पे जाएगी, थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि थोड़ा अलग जगह पे और थोड़ा बहुत ही दूर आ गए हम लोग, और आसपास कोई नहीं था कि जिसको हम पूछे कि कहाँ से हम लोग सही रास्ते पे जा सकते हैं। बच्चों को तो एडवेंचर करना बहुत पसंद होता है, पर यहाँ पे हमें भी एडवेंचर करने में मज़ा आ रहा है और बहुत एंजॉय किया हम लोग ने आज। लेकिन अभी यहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन है, मेरी बेटी तो बहुत एक्साइटेड है और उसको तो घर पे जाना ही नहीं है अभी, लेकिन अंधेरा हो रहा है तो जल्दी जल्दी घर पहुँचना ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा पीछे छूट गई हूँ ये शूटिंग करने के चक्कर में, और हम लोग फटाफट अभी वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ से हम प्रॉपरली घर पर पहुँच जाए। यहाँ पे अगर अंधेरा हो जाएगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग फटाफट चल रहे हैं, और अगर बारिश हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग जल्दी चल रहे हैं। वहाँ से मेरी भाभी देखकर आई है कि वहाँ से रास्ता है क्या, लेकिन वहाँ से रास्ता नहीं है तो अभी हम यहीं से निकल रहे हैं। बीच में रास्ते में हमें ये स्नेक की जो स्किन होती है, स्नेक स्किन छोड़ता है, सांप की कात बोलते हैं उसको, वो दिखी थी। तो देखिए बहुत काफ़ी बड़ा सांप है और उसकी कात पड़ी है यहाँ पे, और ये हम लोग ने बच्चों को दिखाई तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए।
साथ तो है नहीं खाने के लिए, गन्ना लेके कैसे खाओगी? बोले कि गन्ना में आला ना, मैं तो खाना रही थी। सुहा लेके गया था, गन्ना कैसे खाएगी तू बता? आला फिरून झाले सर। फिरलो जरा। तो फाइनली इस तरीके से हम सही रास्ते पर आ गए हैं और अब हम घर चल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कांटों के पेड़ भी रहते हैं और घर आने के बाद मेरे पापा ने मुझे गन्ने के छोटे छोटे पीसेस करके कट करके दिए। वो हमेशा मुझे बचपन में भी ऐसे ही गन्ने के छोटे टुकड़े करके देते थे, तो मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।